हाय फ्रेंड्स आज मैं एक एंटीबायोटिक जेल का रिव्यू करने जा रहा हूं कील मुहासों को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को अप्लाई करने की एडवाइस की जाती है क्लिनक्स जेल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है विल इंपैक्ट्स के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत की अगर बात करें तो टेन ग्राम का एक अकॉइंटमेंट मार्केट में फोर्टी रुपीज़ का उपलब्ध होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बेलाइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे कमेंट सेक्शन पर लिख कर मुझे ज़रूर बताएं आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस ऑइंटमेंट में वन परसेंट बाई वेट क्लिंडम उपलब्ध होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स क्लिंजी टॉपिकल जेल जिसे सेंटियागो लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है टॉप जेल जिसे यूनिवर्सल ट्विन लैब्स के द्वारा बनाया जाता है एक्नेसोल जेल जिसे सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है क्लिंजा वन परसेंट जेल जिसे बेनेट माइफर फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है और क्लिंडा माइसिन फॉस्पेट जेल जिसे नैन्ज मेन्स साइंस फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं आपको इफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का साल्ट साल्टे कंपोजिशन सेम होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कील के लिए किया जाता है यह आपके चेहरे चेस्ट में पीठ पर या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर दाग या फुंसी के रूप में दिखाई देता है यह उन स्थानों पर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले घाव पर हमला करता है और उसे ठीक करता है इस मेडिसिन का इस्तेमाल बाहरी अंगों के लिए किया जाता है एक्सटर्नल यूज़ की यह मेडिसिन होती है इंटरनल इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आमतौर पर इस दवा की पतली परत लगाना चाहिए और लगाने के पहले उस स्थान को साफ करना चाहिए इसे क्रेक पार्ट पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर कटाफटा हो उस स्थान पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आँखों नाक मुंह के संपर्क में अगर यह मेडिसिन आती है तो आपको पानी से धोना चाहिए इस मेडिसिन को लगाने के दौरान कभी कभी यह देखा जाता है कि आपको कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे लगाने वाली जगह पर रिएक्शन का होना जलन का होना खुजली का होना या लालिमा का होना त्वचा पर रेसिस होना पेट में दर्द होना जी मिचलाना चक्कर आना उल्टी होना या डायरिया होना आमतौर पर यह बहुत कम होते हैं परंतु अगर आपको अधिक हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दौरान जनरली यह देखा गया है कि कुछ दिन के अंदर आपको बेहतर महसूस होता है लेकिन डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया गया ड्यूरेशन यानी जितने समय के लिए डॉक्टर ने आपको बोला हो आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए अदरवाइज आपका इन्फेक्शन दोबारा वापस आ सकता है और पुनः इसका इलाज करना कठिन हो जाता है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए मैंने तरीका आपको पहले ही बताया है कि पहले स्थान को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए उसके पश्चात ही आपको इसे लगाना चाहिए इस मेडिसिन के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ इस मेडिसिन को कील मुहास को इलाज के लिए आपको लगाने की एडवाइस की जाती है कील मुहासे में सुधार देखने के लिए आपको इस मेडिसिन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह समय लेता है आपको धैर्य रखना चाहिए और हर दिन इसको इस्तेमाल करना चाहिए जेल को इस्तेमाल करने से पहले आपको त्वचा को माइल्ड क्लींजर से साफ करना चाहिए और सुखाना चाहिए आपको मुहासों से प्रभावित त्वचा को सूखा करने के पश्चात इस मेडिसिन को पतली परत के रूप में लगाना चाहिए मेडिसिन को लगाने के पश्चात आपको मामूली जलन चुभन या खुजली का एहसास हो सकता है यह परेशानी अगर आपकी जल्दी ख़त्म नहीं होती तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए अगर आपको लगता है कि जिस स्थान पर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आराम लगने की बजाय जलन और संक्रमण अधिक बढ़ रहा है तो आपको इसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए गर्भावस्था और स्तनपान के ड्यूरेशन में अगर आप हैं तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें क्योंकि ऐसी स्थिति में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू